हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डीआईवाई विद केतकी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो, बेहतर हो। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। यस, हम लोग मिल रहे हैं अराउंड एक महीने के बाद, क्योंकि दिवाली के बाद ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और मैं वीडियोस पोस्ट ही नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि यार एक ब्रेक लिया है तो मैं अच्छे खासे खाऊँ पीऊँ, नेटफ्लिक्स देखूँ, सीरीज़ देख लूँ, थोड़े से फटाफट आराम करूँ एंड फिर लाइक बहुत अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ आप लोग के साथ आ जाऊँ आपके पसंदीदा डीआईवाई शेयर करने के लिए। तो यस, आई एम बैक एंड आई एम so happy, I'm very happy to be back। तो आज मैं आपके साथ तीन चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ which is like very important for me। सबसे पहली बात ये है कि we are a family of huge 31,000 plus subscribers। like यार you take my heart, ये बहुत बढ़िया नंबर है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। यार आप लोग ने मुझ पर भरोसा रखा, मेरे DIYs पसंद किए एंड वी हैव ग्रोन फ्रॉम लाइक 10 टू 15 सब्सक्राइबर्स टिल इतना ज़्यादा नंबर। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं आप लोगों के साथ सेकेंड थिंग शेयर करना चाहती हूँ जो कि है हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली तो काफ़ी बढ़ रही है और काफ़ी अच्छी स्पीड में बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस जो है वो YouTube के एल्गोरिथम में सरफेस नहीं कर पा रहे, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं यार, बट व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हो? कि शायद आप लोग जो नोटिफिकेशन बेल होती है ना उसको प्रेस नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको मेरे जो भी नए वीडियोस में पोस्ट करती हूँ वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ होती है, मैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचूँ इसके लिए आप जो भी वीडियोज़ देखते हो, अगर आपको पूरे वीडियो में से अगर एक भी DIY पसंद आता है तो यार उस एक DIY के लिए आप उस सारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक इज़ फ्री, सब्सक्राइब इज़ फ्री। जैसे आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उस हिसाब से मेरा वीडियो आप तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगा एंड दिस इज़ द बेस्ट व्हाट यू ऑल कैन डू फॉर मी एंड आई विल ब्रिंग फॉर यू द बेस्ट DIYs। तो यार इतना प्यार मैं आपको हक से मांगती हूँ यार। ओके, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था मेरी बेस्ट फ्रेंड निम्मी, उसका होम टूर, तो उसका बंगलो का मैंने टूर लिया था। इट वॉज़ इन टू टू पार्ट्स, आई वॉज़ डूइंग दैट वीडियो फॉर फर्स्ट टाइम, तो मुझे पता नहीं था, बट देन आई टुक पोल एंड उसमें से अराउंड 80% ऑडियंस सेड कि येस दे वॉन्ट टू सी मोर ऑफ द होम टूर वीडियोज़। जी हाँ, तो मैंने सोचा येस, मैंने जो ब्यूटीफुल होम का एक प्लेलिस्ट बनाया है उसमें ऐसे सारे वीडियोज़ में अभी ऐड करती जाऊँ। सो आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं महीने में एक या दो होम टूर के वीडियोज़ अदर देन माई रेगुलर वीकेंड DIY वीडियोज में आपके लोगों के साथ शेयर करती रहूं। जी हाँ, तो इसके लिए मेरे पास और एक ट्विस्ट है। मैं रहती हूँ पुणे में। अगर आप लोग में से भी कोई रहता है पुणे में और अगर आप सोचते हो कि आपने बहुत क्लेवरली, स्मार्टली, फंक्शनली और छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर डेकोरेट किया है एंड आप लोग, आपके जो भी फीलिंग्स है उस घर के साथ आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहते हो, तो माय चैनल कैन बी द प्लेटफॉर्म फॉर इट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं उसको आपको ईमेल करना है या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। तो मैं आऊँगी आपके घर पे एंड आपकी परमिशन के साथ आपके घर का होम टूर लूँगी और जो भी आपके ब्यूटीफुल आइडियाज़ है वो सबके साथ शेयर करूँगी ऑन माई चैनल। हाउ इज़ इट? तो यार क्रिएटिविटी जो है ना वो ऐसे दबा के रखने से नहीं बढ़ेगी, आप जितना शेयर करोगे उतनी ही बढ़ेगी, जितना आप देते हो ना उतना ही आपको मिलता है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। तो लेट्स जॉइन मी इन दिस राइड। तो मैंने सोचा आज का जो वीडियो शुरू करना है, आपको मेरी आइडिया भी बतानी थी, तो क्यों ना मैं मेरे फ्रेंड का एक होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस, इट्स अ 3 BHK रीसेल फ्लैट, इट्स अ 1300 स्क्वायर फीट फ्लैट, वेरी वेरी ह्यूज एंड स्पेशियस। और ये जब शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा थोड़ा काम इनका इधर उधर बाकी है वो आपको दिखेगा, बट दैट इज़ ओके यार, इतना सुंदर घर है और बहुत सारी आइडियाज़ है, आप देखोगे एंड यू आर गोइंग टू श्योरली लाइक इट। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द होम टूर। सो चलिए, ये है मेरे फ्रेंड सीमा का घर और आपको यहाँ पे ग्रीट किया जाएगा बहुत ही ह्यूज टीक वुड दरवाजे से। तो जैसे ही हम मेन डोर के अंदर आते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह दी गई है, तो हमारे काफ़ी फ्लैट ओनर्स ने यहाँ पे एक स्पेस बना दिया है और इसे आप सर्वेंट रूम की तरह यूज़ कर सकते हो या फिर आपका शू रैक, एक्स्ट्रा स्टोरेज, बच्चों की साइकिल्स एंड ऑल। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये इनका अंदर वाला डोर है जिसे ओपन करेंगे तो आपको ग्रीट किया जाएगा एक प्यारे से पेंडेंट लैम्प से, जिसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे इन्होंने कुछ कैबिनेट्स बनाए हैं, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। यहाँ पे इन्होंने बुक्स रखे हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स आप रख सकते हो एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टोरेज कैन बी यूज्ड हियर।
और यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, सिर्फ सिंपल हुक्स लगा के यहाँ की होल्डर बनाया गया है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेंजर्स को विजिबल भी नहीं है, बट इट इज़ वेरी हैंडी फॉर द फैमिली। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ है ये लिविंग कम डाइनिंग रूम, लेफ्ट हैंड साइड पे है किचन और राइट हैंड साइड पे आता है इनका पेरेंट्स का बेडरूम। तो पहले मैं लेके चलती हूँ आपको इनके लिविंग रूम में। आप एंटर करोगे लिविंग रूम में, यू विल बी वेलकम बाय दिस ब्यूटीफुल लाउंज शेप्ड सोफ़ा, और ये काफ़ी प्रिटी सिंपल येट एलिगेंट है। साथ में आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ दीवार पे इस गोल्डन कलर का एक ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर पीस लगाया है। दिस कॉफ़ी टेबल इज़ ऑल्सो मल्टी फंक्शनल, दो पूफ्स दिए गए हैं, तो कोई ज़्यादा मेहमान आते हैं उस टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं हम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टॉल यूनिट दिया है फॉर डिस्प्लेइंग दी आर्टिफैक्ट्स, एंड ये है इनका टीवी यूनिट, जहाँ मैंने बताया आपको जैसे अभी शिफ्ट हुए हैं ये, तो इनका टीवी एंड एवरीथिंग इज़ स्टिल टू बी इंस्टॉल्ड। इसका भी सारा मटीरियल का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पर बताऊँगी मैं। तो दिस इज़ द लिविंग रूम एरिया, और इसी के साथ अटैच्ड है ये डाइनिंग रूम एरिया। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डाइनिंग रूम एरिया, जहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा पेंडेंट लैम्प है, ये इन्होंने अमेजोन से मंगाया था। मुझे अगर लिंक मिलती है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे मेंशन करूँगी। तो दिस इज़ अ 6-सीटर डाइनिंग टेबल, साथ में यहाँ पे मंदिर दिया है, क्रॉकरी यूनिट दिया है। अभी आपने इस जगह को देखा था ब्राइट वाइट लाइट में, तो रिमोट सेटिंग से चेंज करके आप इस लैम्प को कोई भी कलर में चेंज कर सकते हो। सो नाउ दे हैव डन दिस वार्म येलो लाइट, और काफ़ी अलग ही ये एम्बियंस क्रिएट हो गया है। What I have liked about Seema's home, यहाँ पे कुछ भी overdo किया नहीं गया है, जितना requirement है उतना ही बनाया है। It is more functional and yet it looks very classy and very rich. Dining room से ही attached है इनका ये road facing balcony, और पुराने घर से इसने काफ़ी सारे plants यहाँ रखे हैं, इसका थोड़ा काम बाकी है। So जब भी मुझे chance मिलेगा इसकी balcony तैयार होने के बाद, ज़रूर मैं आपके साथ share करूँगी। And this is the beautiful view of a living cum dining area from the balcony. I hope you are liking it. आगे काफ़ी कुछ है, चलिए चलते हैं आगे। तो जैसे हम लिविंग रूम से आगे चलेंगे, इस साइड आपको दिखेगा दिस इज़ द किड्स बेडरूम, एंड टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज़ द मास्टर बेडरूम। तो चलिए पहले मास्टर बेडरूम देख लेते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है जहाँ पे ये वॉशरूम है, एंड हमारे जो बिल्डर ने इन मास्टर बेडरूम्स को वुडन लैमिनेट दिए हैं, दैट इज़ द फ्लोरिंग लैमिनेट, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोबर कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क ब्लू एंड ग्रे एंड वाइट। फ्लोर पे एक बहुत ही प्यारा सा ये एक टॉल पेपर लैम्प रखा है, आप देखोगे हेडबोर्ड भी बनाया है यहाँ पे, जिसका हाफ पार्ट कुशनिंग है और हाफ पार्ट लैमिनेट है। साथ ही में यहाँ पे वेरी सिंपल वेरी फंक्शनल दिस स्टडी एरिया यहाँ पे दिया गया है। इनके सारे फर्नीचर में इन्होंने कुछ डेकोरेटिव लैमिनेट्स यूज़ किए हैं, कोर लैमिनेट है, और साथ ही में कोरियन शीट्स का यूज़ किया गया है। तो जहाँ पे भी स्मूथ सरफेस चाहिए वहाँ पे उन्होंने कोरियन शीट्स यूज़ की है। दिस इज़ द इनबिल्ट ड्रेसिंग टेबल विथ लॉट्स ऑफ स्टोरेज एंड अ सिटिंग पूफ इज़ प्रोवाइडेड। तो जब मैं सीमा से बात कर रही थी, मुझे समझ रहा था कि दिस इज़ ऑल द कम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ हर्स एंड हर हस्बैंड, दोनों ने भी इसका काफ़ी अच्छे से प्लानिंग किया है, एंड इट वॉज़ वेल इनकॉर्पोरेटेड बाय देयर इंटीरियर डिज़ाइनर। दिस कबर्ड बिहाइंड द डोर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऊपर आप जो होल्स देख रहे हो, सो दीज आर फॉर वेंटिलेशन। सो जब भी हम बाहर से आते हैं, कुछ हमारे कपड़े या कुछ बाहर के स्मेली स्वेटी कपड़े जो रखने हैं वो इस शेल्फ में जाता है, इस कैबिनेट में जाता है, और नीचे यहाँ लॉन्ड्री स्पेस के लिए भी जगह प्रोवाइड की है। दे ऑल्सो हैड टू रेनोवेट द वॉशरूम्स बिकॉज दिस इज़ अ रीसेल फ्लैट, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एक ये नाइस सीलिंग दिया है, और बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल किए गए हैं। आगे जैसे हम मास्टर बेडरूम से बाहर निकलते हैं, सो दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम एरिया
तो यहाँ पे मैं आगे से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा लेवल अलग करके इसका वॉशिंग मशीन रखने के लिए जगह बनाई है एंड स्टोरेज यूनिट है एंड राइट हैंड साइड इज़ दी कॉमन वॉशरूम एरिया। ओके चलो लेके चलती हूँ एक बहुत ही खास जगह है। सो दिस इज सीमाज चिल्ड्रंस रूम, द मोस्ट कलरफुल ब्यूटिफुल एंड फनफिल्ड स्पेस ऑफ दिस हाउस। I know you are going to love it. So सीमा के दो बच्चे हैं बहुत प्यारे और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रूम डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा बंक बेड किया गया है और साथ ही में इस ब्यूटीफुल वाइट रूम में ये कलरफुल कर्टन्स लगाए हैं। दीज आर कस्टम मेड, उन्होंने शटर स्टॉक से इसके इमेजेस लिए थे और वेंडर से इसको प्रिंट करवा के लाए हैं। तो बहुत प्यारा दिख रहा है एंड एज यू कैन नोटिस यहाँ पे ये विंडो सीटिंग दिया है। इस साइड के अपार्टमेंट्स में सभी रूम्स को ये विंडो सीटिंग एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे इस दीवार पे ये स्टडी टेबल लगाया गया है, वेरी वेरी सिंपल। और यहाँ पे ये वाइट कॉम्बिनेशन में है फिर से और इसको हाईलाइट किया गया है इस ब्लू कलर के साथ। साथ में यहाँ पे इस टॉल कैबिनेट को फ्रॉस्टी ग्लास दी है, यहाँ पे ओपन शेल्फ्स दिए हैं जिनको लाइट से हाईलाइट किया गया है। और सीमा ने बताया यहाँ पे एक सॉफ्ट बोर्ड लगाने वाले हैं, वो अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तो इंस्टॉल किया जाएगा। चलिए कबर्ड्स देखते हैं और उनकी खासियत। तो आपने जैसे देखा ये स्लाइडिंग डोर जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे ये सेंसर्स है जिससे कि यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गए, तो अंधेरे में भी आपको बहुत ही अच्छे से यह दिख सकता है। एंड दिस इज़ हर डॉटर्स कैबिनेट, तो उसको ड्रेसिंग टेबल के लिए उन्होंने ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की है। तो यहाँ सिंपल शेल्फ्स डाले हैं एंड इट होल्ड्स ऑल हर एक्सेसरीज एंड स्टफ़। तो मिरर कहाँ है तो ये देखिए, आई एम श्योर आप लोग ये नोट करोगे, दिस इज़ अ स्लाइडिंग मिरर। आपको इसे सिर्फ पुल करना है एंड आप इसे टिल्ट कर दीजिए, ये पूरी तरह से फ्लैट होके ओपन हो जाएगा। मैंने इसे पूरी तरह से ओपन नहीं किया है, तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ये ग्लास मिरर इंस्टॉल कर सकते हो एंड विदाउट एनी मेस ये बहुत ईजीली ग्लाइड हो जाएगा अंदर। सो या दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट आइडिया, व्हाट्स ए गाइज। चलिए अभी हम देखते हैं इस बंक बेड के बारे में। तो सीमा ने मुझे बताया जैसे कि ये किड्स रूम है सो दे हैव यूज्ड मोस्ट ऑफ द कोरियन शीट्स फॉर द फर्नीचर, क्योंकि कोरियन शीट्स आप जब यूज़ करते हो तो उनका शार्प एजेस नहीं होते एंड इट इज़ सेफ फॉर द किड्स इंस्टेड ऑफ द लैमिनेट। तो बंक बेड की जो सीढ़ियाँ है वो भी बच्चों के फुट साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन की गई है और अगेन दे हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन द स्टोरेज पार्ट। तो यहाँ पे दोनों हेडबोर्ड्स के पीछे अच्छा खासा स्टोरेज दिया है। तो सीमा ने मुझे यहाँ बताया कि दिस इज़ अगेन सिंपल पुश एंड इट विल ओपन। तो या मैंने बताया है एज दे हैव रिसेंटली शिफ्टेड इन तो आपको काफ़ी कुछ मेस भी दिख सकता है, बट दैट इज़ ओके यार। तो यहाँ पे ऊपर भी शेल्फ दिया है, देखिए ये कैबिनेट है, नीचे कुछ डिस्प्ले के लिए उन्होंने रखा है, बच्चों के टॉयज़ डिस्प्ले कर सकते हो और उनके लिए लाइट्स भी दिए है एंड सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन उन्होंने बनाई है ऊपर बेटी के एरिया के लिए एंड विच शी हैज़ डेकोरेटेड विथ हर ओन क्राफ्ट एंड आर्ट एंड स्टफ़। वन मोर ब्यूटिफुल एलिमेंट ऑफ दिस रूम इज़ दिस ब्यूटिफुल सीलिंग लैम्प विच कैन बी ऑपरेटेड विद द रिमोट। तो आप इसे सिर्फ लाइट के लिए यूज़ कर सकते हो या आप इससे सिर्फ फ़ैन चला सकते हो, येस तो इससे फ़ैन चलेगा या फिर आप लाइट एंड फ़ैन दोनों एक साथ चला सकते हो। कैसे लगा बच्चों का ये प्यारा सा रूम? मुझे लगता है आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले होंगे इससे। तो चलो अब मैं बाहर आ गई हूँ और हम चलेंगे किचन में। उसके पहले मैं इस ब्यूटीफुल लैम्प की स्टोरी बताती हूँ। सीमा ने बताया वो जब जर्मनी में थे तो जहाँ पे वो रेंट पे रह रहे थे उस लैंडलॉर्ड से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके ये लैम्प ख़रीदा है एंड ही अग्रीड टू दैट। और उन्होंने बहुत मेहनत से संभाल के उस लैम्प को इंडिया लेके आए और कहा जब भी हमारा घर हम अच्छे से बनाएंगे तो हम इस लैम्प को ज़रूर लगाएंगे। सो या बैक टू द पॉइंट, तो दिस इज़ हर ब्यूटीफुल किचन, इट्स पैरेलल किचन। यहाँ पे ग्लासेक्स मटेरियल यूज़ किया गया है विच इज़ वेरी वेरी ग्लॉसी एंड हेटिच के सारे फिटिंग्स है। सो अगेन इट इज़ ओनली टच एंड इट ऑल ओपन्स। इनका जो वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है यहाँ पे पीछे हाइड किया गया है, चिमनी लगाई है यहाँ पे अच्छे से
और वेरी स्लीक किचन इट इज़. लुक एट दिस प्रिटी फ्लोर मैट. और दिस अदर साइड यहाँ पे आता है उसका ह्यूज फ्रिज एंड देन दिस टॉल यूनिट एंड देन दिस इज़ द ड्राई एरिया. तो अगेन मल्टीपल ड्रॉवर्स दिए गए हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स. और यहाँ पे सारे अप्लायंसेस रखे हैं उसने. और जैसे काम थोड़ा थोड़ा बाकी है, आपको कुछ वायरिंग्स दिख सकती है यहाँ वहाँ. और इस टॉल यूनिट को मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. हम महाराष्ट्रियंस में क्या होता है ना, हम बड़े बड़े स्टील के डब्बों में सारा कुछ स्टोर करके रखते हैं. सो दे हैव सिंपली मेड इट वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक ताकि ये 40-40 केजीज़ के डब्बे होल्ड कर सके एंड इट वुड सफाइस हर नीड्स. सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द किचन. मैं आपको इन डिटेल नहीं बता सकती हूँ ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिंपल किचन टूअर. सो दिस इज़ द डोर ऑफ द ड्राई बालकनी जिसे इसने डिवाइड किया है इनटू हाफ्स ताकि ये एक अच्छे से स्पेस यूटिलाइज किया जाए. एंड ये एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे उसने मैग्नेट यूज़ किए हैं बिकॉज जो हमारा नॉब होता है, जो कड़ी होती है, वो लगाने की ज़्यादा जगह नहीं थी. सो दिस इज़ अनदर नाइस ट्रिक. एंड दिस इज़ द ड्राई बालकनी. यहाँ पे एक टॉल शेल्फ बनाया है उन्होंने, कैबिनेट बनाया है जहाँ पे ये बर्तन रख सकते हैं इस काउंटर टॉप पे. नीचे उसका डिश वॉशर रखा है एंड उसके बाजू में यहाँ पे अगर मौसी आती है तो उसे काम करने के लिए भी जगह है. नीचे उन्होंने फ्लोर भी खाली रखा है ताकि इजीली वॉश हो सके फ्लोर. एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द किचन फ्रॉम द ड्राई बालकनी. तो यहाँ पे चलते हैं उनके पेरेंट्स के रूम में. अगेन अ वेरी सिंपल रूम. यहाँ पे उन्होंने डार्क ब्राउन वाइट का कॉम्बिनेशन किया है. अगेन दिस ब्यूटिफुल विंडो गाइज. इनकी साइड की अपार्टमेंट्स में ये विंडोज़ दिए गए, हमारे साइड नहीं है. ओके सो यहाँ पे एक स्टडी टेबल बनाया और साथ में ये बेड बनाई है. एक बहुत ही ब्यूटिफुल सिंपल सा ये बैकड्रॉप है. वेरी सिंपल फॉल्स सीलिंग अगेन. तो डिस्प्ले भी किया जा सकता है और पेरेंट्स के कंफर्ट के हिसाब से या हेडबोर्ड्स बनाए हैं उनकी हाइट के हिसाब से, उनके नी पेन के हिसाब से बेड की हाइट कम रखी है. नीचे ये पुल आउट ड्रॉवर है स्टोरेज के लिए और इस बेड को उन्होंने एल शेप में डिवाइड किया है जहाँ से ये ऊपर से भी इसका स्टोरेज कर सकते हैं. और यहाँ पर टीवी यूनिट दिया है छोटा सा. नेक्स्ट टू इट इज़ दिस ड्रेसिंग टेबल. वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक. उसके अंदर मुझे एक चीज़ पसंद आई वो आपसे बताती हूँ मैं. दिस इज़ नॉट अरेंज्ड एज आई सेड, ये रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू दिस बैंगल होल्डर. तो यहाँ पे एक रॉड लगाया है विच कैन ईजिली होल्ड ऑल दी बैंगल्स एंड एवरीथिंग. सो जस्ट बिसाइड्स दिस बेसिक ड्रेसिंग टेबल आता है इनका वॉशरूम डोर और उसके बाजू में आता है इनका ये वार्डरोब सेक्शन. टू लॉफ्ट्स ऑन द टॉप, स्लाइडिंग डोर्स एंड ऑल. तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए मेरा ये उंगली दिखा रहा है, तीन उंगली, उतना स्पेस उन्होंने ये वार्डरोब का विड्थ कम किया. उसके बजाय उन्होंने इस साइड पे ये कैबिनेट बनाया है. सो अगेन क्लेवर डिसीजन फॉर दिस यूज्ड क्लोथ्स. यहाँ पे आप आपके बाहर से आए हुए कपड़े लगा सकते हो विद दिस वेंटिलेशन प्रोवाइडेड. आपके जो भी बाहर जाने वाले बैग्स, पर्सेस, शॉपिंग बैग्स है वो ईजिली हैंग कर सकते हो. तो इनका जो बचा हुआ ये वाइट कोरियन शीट था विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उन्होंने उसे वेस्ट नहीं किया बल्कि यूज़ किया है इस तरह से स्ट्राइप्स बना के. सो दीज स्ट्राइप्स आर ऑल ओवर द हाउस इन द एंटायर इंटीरियर. सो इट गिव्स अ यूनिफॉर्म लुक. एंड मीन टाइम उसकी बेटी मुझे यहाँ पे सारे मूड लाइटिंग्स बता रही थी विच वर एडजस्टेड टू ऑल द रूम्स एंड इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. सो हियर इज़ द ओवरव्यू ऑफ देयर पेरेंट्स रूम. And finally, the glimpse of the entire house. Hope you enjoyed it. Hey guys, so कैसे लगा आपको आज का home tour?
कैसे लगा आपको सीमा के घर का ये छोटा सा टूर? आपको सीमा के घर में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा? उसका लिविंग रूम अच्छा लगा, या उसका मास्टर बेडरूम, या किचन, या ग्रैंड पेरेंट्स का रूम, या फिर उसका डाइनिंग रूम, या मेरा फेवरेट था उसके बच्चों का रूम? इनफैक्ट मुझे उसका सारा घर पसंद आया. जब आप वीडियो में देखते हो एंड व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू दैट प्लेस, इट मैटर्स अ लॉट, द डिफरेंस इज ह्यूज. तो बहुत सुंदर घर है. जो भी आपके कमेंट्स हैं मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट फेल नोटिफिकेशन बेल एंड ऑल्सो टिंग टिंग यार प्रेस कर दो. मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ वीकेंड में मेरा अच्छा सा एक DIY लेके. टिल देन सी यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय.